गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। हमें इसमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 3/2/9। तो 1/2 हमने फाइंड करना है 3/2/9 का। तो आप लिख लोगे ऑफ का मतलब होता है, जब भी हमें गिवन होता है ऑफ, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, कि 1/2 मतलब इसका हाफ करना है। तो हाफ कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो आप लिख लोगे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको सोल्व कर लीजिए। 9 3 27, 27 + 2। इसको पता है ना कैसे सोल्व करना होता है आपको, कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 27, और उसमें प्लस ये वाली वैल्यू +2, और डिवाइड में तो ये 9। तो ये कितना आ जाएगा 27 + 2 29 डिवाइड में 9। तो ये आपके पास हल्ले हो जाएगी 29। 1 को 29 से करो 29, 9 2 18, ये आपका आंसर। लेकिन आपको जो है वो ये फ्रैक्शन में जो है वो ये आंसर जो है वो आपको पूरा प्रॉपर सोल्व करके लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, 29 को 18 से सोल्व करोगे, 18 1 18, तो ये बच गया 11। तो आप इसको लिखोगे 1 सही 11 जो लेफ्ट बच गया अपॉन 18। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ स्टूडेंट, 1/3 ऑफ, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 1/3 ऑफ 15/7। ये हमें कहा हुआ है 1/3 ऑफ 15/7। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ऑफ का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन करना। 1/3 ऑफ 15/7, तो 3 5 15, तो ये आ गया 5 1 5 5/7। अब ये तो डिवाइड नहीं हो सकता ना 7, यहाँ तो चलो 18 से 29 डिवाइड हो सकता था 1 के टेबल पे, लेकिन यहाँ नहीं डिवाइड हो सकता क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी। ठीक है ना, यहाँ पर गया था ऊपर बड़ी वैल्यू थी नीचे छोटी, तो ये डिवाइड करा था हमने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा, 1/3 ऑफ 3/2/9। ठीक है ना, 1/3 ऑफ 3/2/9, तो ये आ गया हमारे पास। तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/2/9 को अभी अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया था। 9 3 27, 27 + ये वाली वैल्यू 2, तो कितना हो गया 29, और अपॉन में क्या आएगा ये 9, तो ये आ गया। ठीक है ना, तो आप इसे लिख सकते हो 1 को 29 से करा 29, 9 3 20, तो ये वैल्यू हमारे पास अब ऊपर बड़ी है नीचे छोटी, अब भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1 के टेबल पे कट हो गया, लेफ्ट का बच गया 2, तो आप इसका आंसर लिख दोगे 1 सही जो लेफ्ट बच गया 2/27। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है, कहा हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है आपने एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, और इसको लोवेस्ट फॉर्म में आपने जो वो लिखना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 3/5 मल्टीप्लाई 2/2/5, ये हमने जो वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं ये हमें मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। तो ये देखिए, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई, इसको कैसे सोल्व करना है, 5 2 10, 10 + 2 12/5। ठीक है ना, कैसे करते बेटा इसको, 5 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 10 और +2, तो ये आ जाएगा आपका, कर तो देखो कुछ नहीं हो रहा, 12 3 36 36/25। तो 36 वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप डिवाइड कर लोगे 1 पे, डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा 11। यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही जो लेफ्ट बच गया 11/25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, फोर का सेकंड पार्ट, 3/5 मल्टीप्लाई 5/6, तो 5 से 5 ये कट, तो ये आ जाएगा आंसर 1 3 1 3 3 2 6, तो ये 1/2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। फोर का थर्ड हम देखते हैं, फोर के थर्ड में हमें क्या कहा होगा, 1/4 इंटू 32/3, तो फोर के टेबल पे 8 पे कट हो गया, तो 1 8 8 8/3। अब ये भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी, यहाँ पर तो क्या था ऊपर छोटी थी नीचे बड़ी, तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेंगे हम। तो 8 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6 2 बच गया, तो कितने यहाँ पर वैल्यू क्या है 2, तो आप इसे लिख सकते हो 2 से ही 2/3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं फोर का फोर पार्ट। फोर पार्ट में हमें क्या कहा हुआ, 7/3/4 मल्टीप्लाई 8/5, ठीक है ना, ये हमें कहा हुआ। तो देखते हैं, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 28 28 और 3 31 31/4 मल्टीप्लाई 8/5, तो 4 1 4 4 2 8, तो आ गया 31 को 2 से करोगे 62 और 1 को 5 से करोगे 5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी है। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5 5 2 10 2 बची है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इसको 12/2/5, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा हुआ है, 2/3 ऑफ 1/5 और 3/5 और 5/6, इसमें से हमें जो है ग्रेटर वैल्यू बतानी कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी या ये वाली वैल्यू ग्रेटर। तो देखिए पहले तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5, 2 1 2 ये हो गया 2/15, ये हो गया आपका 3/5 इंटू 5/6, तो आ गया 5 से 5 कट, और 3 1 3 3 2 6 ये आ गया 1/2, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, अब हमें क्या पता कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो क्या आ जाएगा, 1/2 आपके पास आया 2/15 और 1/2, तो 15 और 2 का एलसीएम, 15 और 2 का एलसीएम करके आपके पास क्या आएगा बेटा, 15 और 2 का एलसीएम करके आपके पास आ जाएगा 30। देखो 2 के टेबल पे कटेगा 1, 3 के टेबल पे कटेगा 5 1, 5 के टेबल पे कटेगा 1 30, तो आप क्या करो, जो उनका एलसीएम आया उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 30 एलसीएम आया ना, और 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 30 2 2 4 2 15 15, तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, यही वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू बड़ी है, सेकंड वाली वैल्यू क्या थी आपकी, तो आप लिख दोगे ग्रेटर, सेकंड वाली वैल्यू क्या थी, सेकंड नंबर पे आपके पास क्या था, और के बाद 3/5 ऑफ 5/6, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, ये ग्रेटर वैल्यू है, और के बाद आपको ये गिवन था ना, देखो और के बाद ये वाली वैल्यू 3/5 ऑफ 5/6, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आई है वो ग्रेटर आई है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा होगा आपको, 4/5 और 5/6, और के बाद वैल्यू गिवन है 2/3 और 4/5, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, देखो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/6, 5 1 5 2 2 4 2 3 6, तो ये तो आ गया 2/3, और 3/2/3 इंटू 4/5, तो ये तो कट नहीं हो गया, 4 2 8/3 5 15, तो ये हमारे पास आ रहा है, तो 3 और 15 का आप एलसीएम ले लो, 3 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15 5 1 3 5 15, तो 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई अलग, 8/15 को 15 से मल्टीप्लाई अलग, जो एलसीएम आया, तो 3 2 5 10 ये आ गया 10 और ये आया 8, तो कौन सा बड़ा है इनमें, 10 वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 10 वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो यानी कि और से पहले वाली वैल्यू कौन सी थी, ये, तो ये ग्रेटर है, तो आप लिख लोगे ग्रेटर
इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 5/6। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने सोल्व करा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।